हेलो एवरीवन, आज की मेरी वीडियो है पाकिस्तान नेवी में जो यूनिफॉर्म पर्सन के अभी टेस्ट शुरू हो चुके हैं। तो ये सेलर टेक्निकल नेवल पुलिस एफएमटी मैरीन एमटीडी स्टीवर्ड शेफ और नैब खतीब की पोस्टों के लिए वीडियो बहुत ज़बरदस्त है। इसमें मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ है, बहुत से पेपर्स में आपको मिलेंगे। इससे पहले जो बच्चे सिविलियन की पोस्ट आई हुई थी, कैडेट्स की जॉब्स थी, उसमें जो मैंने वीडियोज़ बनाई हैं उस पर मैक्सिमम बच्चों को पेपर में एमसीक्यूज़ मिले हैं जो मैंने बताए थे। तो उस पर बहुत से टेस्ट एक्सपीरियंस भी शेयर किए हैं, उसमें भी बच्चों ने आइडेंटिफाई किया है, तो उसको भी आप परसू कर सकते हैं। तो आज अभी तकरीबन इंटेलिजेंस पार्ट को हम कवर करेंगे इसमें। तो ये वर्बल इंटेलिजेंस पार्ट है, बाकी नॉन वर्बल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी पे भी इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले देखें, मैंने इनको कैटेगराइज़ किया है जैसे नंबर सीरीज़ हैं, तो नंबर सीरीज़ अल्फाबेटिक सीरीज़ इस तरह करके आपको समझाता भी जाऊंगा, साथ साथ बताता भी जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर वन देखें, व्हाट नंबर कम इन दिस सीरीज़। अब ये 13, 15, 17, 19, 21 है। अब इसे अगला डिजिट पूछ रहा है कौन सा है। जैसे 13 है, इसके अंदर उसने एक डिजिट छोड़ा है 14, 15 आएगा, फिर एक 16 छोड़ दिया 17, फिर 18 छोड़ा 19 आ गया, फिर 20 और 21। इसी तरह जो अगला डिजिट आएगा 22 छोड़ेगा और 23 लेगा। तो इसका मतलब इसका बेस्ट आंसर है 23, मतलब कि एक एक डिजिट हर एक में छोड़ा है, उसे नेक्स्ट डिजिट लेना है। क्वेश्चन नंबर टू देखें, इफ 14 मल्टीप्लाई बाई 25। अब इसको उसने बहुत सिंपल हल किया है कि इसको उसने उल्ट लिख लिया है। जैसे 5, 2, ये 2 चला गया, फिर 4 और फिर 1। इसका मतलब है कि ये इस तरह डिजिट बन गया 52, 41, उल्टा लिख लिया सिर्फ। इसी तरह सेम इसको देख लेते हैं, 32 मल्टीप्लाई बाई 17। अब ये देखें, इसको भी उसने सेम इट इज़ किया है, 7 को पहले ले लिया, फिर 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया और फिर 3 ले लिया। सेम इसके साथ भी इसी तरह किया। अब इसको भी हमने इसी तरह कैलकुलेट करना है, पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, 2, 3, 6, 4, ये इसका आंसर है। सिर्फ इसे उल्टा किया है उसने। क्वेश्चन नंबर थ्री देखें, इफ 3 इज इक्वल टू 0, 4 इज इक्वल टू 4, 5 इज इक्वल टू 8, 6 इज इक्वल टू 12, देन 7 इज इक्वल टू। अब ये देखें, ये तो कन्फर्म है हमें कि यहाँ पे उसने 0, फिर उसके बाद उसने लिया 4, 8, 12। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आएगा वो 16 डिजिट आएगा। तो अब देखें कि उसने टोटल 4 की सीरीज को छोड़ा है, 0, 4, 8, 12 और यहाँ पे 16 आ जाएगा। बाकी यहाँ से देखें तो 3, 4, 3, 4, 5, 6 और 7, मतलब ये भी तरतीब वाइज चलाया है और यहाँ पे सिर्फ 4 की सीरीज़ को डिफरेंट डाला है, तो इसका 16 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, व्हाट इज़ कम नेक्स्ट नंबर 40, 35, 30, 25 एंड 20। पहले सबसे पहले आपने इसकी तरतीब सीधी कर लेनी है और इसे अगला जो डिजिट आएगा ऑटो पे 45 आएगा। क्यों? क्योंकि उसने 40 की तरतीब वाइज डिजिट लिए हैं सारे। ये देखें, पहले 20, 25, 30, 35, 40 और 45। इसका मतलब है कि इसका 45 बेस्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, व्हाट कम नेक्स्ट नंबर 53, 53, 40, 40, 27, 27। तो इसका मतलब है कि मतलब सेम डबल रेपिटेशन में चला आ रहा है। तो दो दफ़ा 53, दो दफ़ा 40 और इसी तरह 2 टाइम ही वो लेगा 27। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, ए 4 मल्टीप्लाई बाई 5। अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 5 तो बनता है 20, लेकिन आपने 20 यहाँ नहीं लेना, तो क्योंकि और वैसे भी उसने नंबर्स में 20 नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे आपने इसका 4 का स्क्वायर लेना है, 4, 4, 16 बनता है और 5, 5, 20 बनता है। तो ये इसका बेस्ट आंसर है, मतलब यहाँ पे उसने सिर्फ स्क्वायर ले लिया दोनों का। क्वेश्चन नंबर 7, 7, 7, इसका 7 का स्क्वायर लेंगे 49 बनेगा, 6 का स्क्वायर लेंगे 36 बनेगा, 5 का स्क्वायर लेंगे तो वो बनेगा 25। मतलब सिर्फ स्क्वायर्स की दोनों सीरीज उसने चलाई हैं यहाँ पे। अब अल्फाबेटिक सीरीज देख लेते हैं। अल्फाबेटिक सीरीज को सॉल्व करने के लिए आपको ए बी सी पहले लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले देखें, इसको मैं नीचे ले कर चला जाता हूँ ताकि हमें आसानी हो जाए अल्फाबेटिक सीरीज। अब देखें, ए जेड सी, ए जेड है और सी एक्स है और बी की अगला डिजिट हमने फाइंड आउट करना है कौन सा है। अब ये देखें, जो टोटल ए बी सी के डिजिट्स हैं वो 26 हैं। कितने हैं? 26। इसी तरह उसने ए लिया है तो जेड है, इसका मतलब है कि दोनों के दरमियान उसने कितने डिजिट छोड़े हैं? 24 डिजिट छोड़े हैं। क्यों? क्योंकि पहला और आखिरी, तो पहला 1 था और आखिरी 26 है, इसके दरमियान 24 डिजिट यहाँ तक बनते हैं। सेम उसने सी और एक्स के दरमियान देखें,
सी इधर से तीसरा डिजिट लिया है और यहाँ से भी उसने तीसरा डिजिट ले लिया। बी के बाद, अब बी के बाद हमने वाई लेना है, क्या लेना है वाई। जहरी बात है ए के बाद जेड था, सी के बाद एक्स था, तो बी के बाद वाई बनेगा। अब इसके दरमियान वाले डिजिट्स जितने बनते हैं इनकी हमने काउंटिंग कर लेनी है, दो इस साइड से छोड़ दें और दो इस साइड से छोड़ दें। तो जब चार डिजिट निकल जाएंगे तो बाकी बचेंगे 22, तो एक वाई खुद होगा 23, तो इसलिए इसका बेस्ट आंसर 23 है। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए इज इक्वल टू 1, बी डी इज इक्वल टू 2 एंड 3 आर 4 एस 5 टी 6 देन स्टैंडर्ड। अब ये स्टैंडर्ड्स को बताना है कि किस तरह डिकोड किया गया है। अब सिंपल, ये जितने डिजिट्स हैं ये इसके अंदर पुट इन करने हैं, जैसे एस 5 है, उसके बाद टी 6 है, 5 और 6 यहाँ पे देख लें कि 5 और 6 इसमें चारों में है, तो आगे आप चलते हैं ए 1 है, 1 भी चारों के अंदर है, उसके बाद एन आ गया, एन 3 है, 3 भी है तो अभी भी फाइंड आउट नहीं हो सकता, उसके बाद एन एन 3 है और बाकी डी डी 2 2 है, इसका मतलब कि ये वाला हमारे पास से निकल गया अंदर से, बाकी ये तीन रह गए। उसके बाद ए 1 1 ये भी हमारे से निकल गया, अब ये दो बाकी, ए 1 आ गया, उसके बाद आर 4 4 और डी 2, इसका मतलब कि ये वाला इसका बेस्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि जस्ट ये वाली जो एंट्रीज हैं ये इसके अंदर पुट इन करनी है स्टैंडर्ड के अंदर, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, ए बी सी जेड और ए बी सी वाई, इसी तरह ए बी सी अगला डिजिट एक्स आएगा, क्योंकि उसने पहले ए बी सी के साथ जेड लिया है, फिर वाई लिया है, फिर अगले में एक्स लेगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अच्छा, अब उसने इसको इस तरह सॉल्व किया है कि ये देखें ये पूरी उसने एक सीरीज ले ली है, और सेम ये वाली पूरी एक सीरीज ले लेगा और यहाँ से आगे फिर एक सीरीज लेगा। अब आपको समझाता हूँ किस तरह ये किया। अब ये देखें ये एक सीरीज है, अब इसमें ई और जी के दरमियान एफ आता है जो कि उसने छोड़ दिया है अंदर से, लेकिन एक्स उसने कामन लिया है, फिर उसके बाद एफ जो छोड़ा था वो आगे ले लिया और एक्स फिर कामन आ गया। अब इसी तरह आगे देखें एच और जे, एच और जे के दरमियान आई उसने ये देखें मिस कर दी है, आई उसके बाद एक्स कॉमन ले लिया, आई उसने आगे ले लिया, फिर एक्स कॉमन आ गया। अब उसके बाद इसी तरह के एम देखें, के और एम के दरमियान उसने एल छोड़ा है, इसका मतलब एक्स कॉमन एल आएगा, उसके बाद फिर एक्स कॉमन। अब जो अगले दो डिजिट हैं ये हमने फाइंड आउट करने हैं। अब देखें पहले ई और ये तीन लिए थे, फिर इन तीन को किया, फिर उसके बाद इन तीन को, अब इसका मतलब कि आगे हमने इन तीन को कंसीडर करना है। क्या करना है? इन तीन को लेना है, इसका मतलब एन और पी है, पी इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि एन पी के बाद फिर एक्स लेगा, फिर ओ लेगा और फिर एक्स आएगा, इसका मतलब है कि इसका बेस्ट आंसर एन और पी है। विच चॉइस सप्लाइज डैट आंसर इज बी एम ई, ये अब उसने कोड दिया है, इसका बनता है डॉग, और एम एल सी को हमने खुद से डिकोड करना है। अब इसकी छोटी सी एक तरतीब बना के मैं आपको दिखा, अब एक तरतीब बना के दिखा देता हूँ। अब यहाँ ही मैं आपको इसको सॉल्व करके देता हूँ। अब आपने फिर ए बी सी ओपन कर लेनी है। सबसे पहले बी का देखें, उसने डी लिया है, बी का डी सी छोड़ दिया, इसका मतलब कि एम के बाद हमने ओ लेना है, एन छोड़ देना है, क्या लेना है? एन लेना है, ओ छोड़ देना है। यहाँ पे ओ आएगा क्योंकि एक डिजिट उसने एम एम एन ओ, मतलब कि उसने एक डिजिट बीच में छोड़ के दूसरा डिजिट लिखा। फिर इसी तरह एम के बाद ओ उसने लिया, एम के बाद ओ लिया तो एन छोड़ दिया। सेम हमने एल के बाद एक डिजिट छोड़ के अगला डिजिट लेना है, एल के बाद आता है एन, तो यहाँ पे हमने ले लेना है एन। उसके बाद आ गया ई, ई के बाद जी आ रहा है, एफ उसने छोड़ दिया। सेम सी के बाद एक डिजिट छोड़ के हमने अगला लेना है, तो डी छोड़ेंगे ई आएगा यहाँ पे, इसका मतलब कि ये बन गया 1 हमारे पास, 1 इसका बेस्ट आंसर है। अब सीरीज बी वाई सी एक्स और डी डब्ल्यू, अब सेम आपने ए बी सी को फोकस करना है। बी का उसने ले लिया वाई, सी का ले लिया एक्स और डी का उसने ले लिया डब्ल्यू, इसका मतलब है जो इसे अगला डिजिट आएगा वो आएगा ई और ई के बाद वो लेगा वी, ई और वी इसका बेस्ट आंसर है। ये सीरीज के एमसीक्यूज थे,
नंबर सीरीज़ और अल्फ़ाबेटिक सीरीज़। अब हम चलते हैं कोडिंग डिकोडिंग पे आगे। अब कोडिंग डिकोडिंग भी सेम ही है, मतलब आपको ए बी सी की मदद से ही सॉल्व करने पड़ेंगे, उसके बगैर हल नहीं हो सकते। सबसे पहले देखें कि उसमें कोडिंग डिकोडिंग में हम अगर लैक लेते हैं, एल ए सी उसका कोड ये है, और क्लैक का कोड क्या होगा। अगर इसका भी कोड ये है तो इसका कोड हमने फाइंड आउट करना है। अब सिंपल आपने क्या करना है कि इसको कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं करने की ज़रूरत। उसकी वजह ये है कि देखें सी का कोड ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है 8, इसी के अंदर से आपने ढूंढ लेना है। उसके बाद ए का कोड भी आपके पास अवेलेबल है, वो है 3। इसका मतलब है कि 8, सी का आपके पास 8 आ गया और के का आपके पास 1 आ गया। 8 1, और ए का था 3, 8 1 3, और यहाँ पे 9 आ जाएगा। ये वाला इसका बेस्ट आंसर है, 3 9। इसी के अंदर से आपको मिल जाएगा कोड। कहता है इफ बॉक्स इज कोडेड एज सी डी एफ पी, हाउ वुड बी राइट कोट इज कोडेड। अब इसमें उसने दो दो कोड ले लिए हैं। अब इसको सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह उसने की है। अब इसको समझे ज़रा किस तरह उसने की है। ये देखें जैसे बी है, बी के बाद उसने ले लिया सी और डी, ये सी और डी उसने ले लिया। ओ के बाद सेम पी और क्यू उसने काउंट किया, पी और क्यू। सेम एक्स के बाद वाई जेड ले लिया, इसका मतलब कि हर डिजिट के बाद वाले दो दो डिजिट ले रहे हैं। सी के बाद हम लेंगे डी ई, इसका आ जाएगा यहाँ पे नीचे मैं लिख लेता हूँ, सी के बाद डी ई, उसके बाद ओ के बाद पी क्यू, और ए के बाद आएगा बी और सी। हर एक डिजिट के बाद दो लेने, टी के बाद इसी तरह आ जाएगा यू और वी, यू और वी। ये इसका बेस्ट आंसर है, डी पी क्यू बी सी यू वी, ये इसका बेस्ट आंसर है ए। आई होप सो समझ आ गई होगी। मुश्किल तो नहीं है ना, आसान है बिल्कुल, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखें स्टेप इज कोडेड दिस और पैट इज दिस, तो अब यहाँ पे इसी के कोड को आपने उठा के इसके अंदर डाल देना है। सिंपल जैसे ये देखें इसके भी स्पेलिंग वही बन रहे हैं, पी ई टी एस, और ये मतलब आगे पीछे सिर्फ है। आप देखें जैसे पी का कोड यहाँ पे था 5, तो इसका मतलब है पहला 5 आ गया। टी का कोड है 1, 5 ई का 1 आ गया। ई का कोड है 6, 5 6, टी का 1, 5 6 1 और 3, 5 6 1 3, ये वाला इसका बेस्ट आंसर है, मतलब इसी के अंदर से ड्राइव हो जाएगा कोड। उसके बाद स्काई वे कोड इज डैश, वेज इज कोड एज डैश। अब इसमें स्काई को हटा देना, सिर्फ जो वेज का दिया हुआ है ये कोड आपने उठा के आगे लिख देना है। अब ये जो एंड वाले 4 डिजिट हैं इसका कोड को आपने 8 9 3 7, यहाँ पे आना था 3 7 6 लिख दिए, ये इसका बेस्ट आंसर है, मतलब इसी के आगे से उठा के कोड आपने इधर डाल देना है। अब कहता है कि फेस इज कोडेड 6 1 3, ए सी ई कोडेड इज डैश। अब ए सी ई इसका एंड वाला जो कोड है ये आपने उठा लेना है 135, सेम उसी के अंदर से ड्राइव हो जाएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग के थे 3 4 मेथड हमने इसमें देख लिए, आई होप सो आपको समझ आ चुकी होगी। अब एज डिफरेंट के क्वेश्चंस देखते हैं। एज के क्वेश्चन इस तरह हैं कि बहुत सिंपल होते हैं, थोड़े से मतलब इसमें टाइम कंज्यूमिंग होते हैं लेकिन हल हो जाते हैं। अब देखें ए इज़ ओल्डर देन बी एंड बी इज़ ओल्डर देन सी, हु इज़ द यंगेस्ट। अच्छा उससे पहले अभी तक रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, ऐसी बहुत सी वीडियोज़ इंशाल्लाह आपको मिलती रहेंगी, टेस्ट एक्सपीरियंस सारा कुछ। देखें ये बनाने के लिए मुझे एक एक सवाल उठा के बनाने पड़े हैं, और फिर वर्ड में टाइप किए हैं, टाइप करके फिर उनको सेटिंग की है, और फिर मैं पूरी वीडियो शूट करूँगा करके, फिर उसके बाद इसको एडिट करूँगा, एक एक अंदर से चीज़ें निकालूँगा, फिर उसके बाद आपके लिए अपलोड करूँगा, फिर थंबनेल, पूरी एक पूरे दिन की एक्टिविटी होती है। तो इसलिए इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब ए इज़ ओल्डर देन बी एंड बी इज़ ओल्डर देन सी, ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, हु इज़ द यंगेस्ट, सबसे बड़ा कौन हुआ, सबसे बड़ा सी हुआ, क्यों, क्योंकि देखें कि ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, इसका मतलब कि सी सबसे बड़ा हुआ। इफ़ अली प्रेजेंट एज इज़ 5 ईयर एंड सिद्रा इज़ ट्वाइस अली एज, के अली की 5 साल है और सिद्रा की 2 है, इसका मतलब है कि सिद्रा की 10 साल बनी,
क्योंकि अली से डबल है उसकी। कैलकुलेट एज ऑफ सिद्रा व्हेन ए इज़ 11 ईयर्स, व्हेन अली इज़ 11 ईयर्स, जब अली 11 साल का होगा तो उस वक्त सिद्रा की एज क्या होगी। अब यहाँ पे सिर्फ इन दोनों की एज का 5 साल का डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर सिद्रा अली 5 साल का था तो सिद्रा उससे डबल थी, मतलब कि 10 साल। इसका मतलब कि इसकी जब 5 साल थी तो सिद्रा की 10 साल थी। इसी तरह जब अली की 11 हो जाएगी तो सिद्रा की 16 हो जाएगी, मतलब 5 साल का सिर्फ इनका डिफरेंस है। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखें कि अब वो कहता है कि ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है बट टालर देन सी एंड डी, ये जो दोनों हैं ये सी और डी से बड़े हैं। इसका मतलब है कि ये दो तो बिल्कुल छोटे हैं, इनकी तो हम बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ रह गया ए और बी। अब क्योंकि ए बी से छोटा है तो लिहाजा बी सबसे बड़ा हुआ, सबसे टालेस्ट कौन है? बी। समी वॉज 21 ईयर ओल्ड इन 1945, हाउ ओल्ड विल बी ही इन 1965, मतलब कि 1965 के अंदर इसकी एज क्या होगी। जब 21 साल का था 45 के अंदर, तो 45 10 55 और 10 65, इसका मतलब कि 20 साल के बाद उसकी एज हो जाएगी 41, क्योंकि 21 का भी था तो 65 में जाके 20 साल बनते हैं तो उसकी 41 हो जाएगी। अब ये फैमिली रिलेशनशिप क्वेश्चंस को देखें, क्वेश्चन नंबर 23 को देखें। अमजद इज टॉलर देन आसफ, अमजद आसफ से बड़ा है और अकरम अमजद से बड़ा है, तो और लेकिन आसफ से छोटा है, तो कौन सबसे बड़ा हुआ है? इसकी छोटी सी तरतीब आप देख लें, इसको आपने उठाना है, यहाँ से कट करते हैं और इसको इंटर करके इसके ऊपर डाल देते हैं। अब ये हमारी तरतीब होगी ठीक। अब सबसे छोटा कौन हुआ? आसफ हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखें। साजिद इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज घनी, मतलब कि साजिद घनी से डबल छोटा है, एंड ट्वाइस एंड 4 ईयर ओल्डर देन खालिद, लेकिन साजिद खालिद से 4 साल भी छोटा है। इसका मतलब कि खालिद अगर 8 साल का हो तो साजिद 4 साल छोटा था, तो इसका मतलब कि साजिद की एज हुई 4 साल, लेकिन ये ट्वाइस ओल्ड है घनी, तो इसका मतलब कि घनी की एज 2 साल बनेगी। अब कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25, सिस्टर ऑफ माई ब्रदर सन्स इज माई, अब अगर मेरे भाई की जो सिस्टर है उसका जो बेटा है वो मेरा क्या लगा? भतीजा लगा। तो यही इसका आंसर है। अब यहाँ पे इस सवाल को समझने के लिए हमें छोटा सा एक चार्ट ड्रा करना पड़ेगा। ईस्ट और वेस्ट समरी बना लेते हैं। जिस तरफ आपने बैठना है आपका मुंह हमेशा ईस्ट की तरफ होगा। किसकी तरफ? ईस्ट की तरफ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब वो कहता है, अब देखें इसमें क्लॉक वाइज का जिक्र हो गया, तो आपने इसके ऊपर एक छोटी सी क्लॉक वाइज एंगल ड्रा कर लेना है। क्या कर लेना है? एंगल ड्रा कर लेना है। आप देखें कि अ मैन इज़ फेसिंग वेस्ट, अब मैं जो उसका मुंह है वो इस तरफ है यहाँ पे, अब उसका मुंह इस तरफ है वेस्ट की तरफ। अब ही टर्न 45 डिग्री इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन, अब यहाँ से वो जवान का मुंह इस प्लेस पे था। अब ये देखें हमने एक चार्ट ड्रा कर लिया और यहाँ पे आप देखें कि उसका सबसे पहले वेस्ट पे बंदा खड़ा है, उसका फेस वेस्ट की तरफ था, वो 45 डिग्री क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करता है। क्योंकि ये देखें सबसे पहले आपका ये एक जो होता है ये 90 डिग्री का होता है, फिर 180 डिग्री और 270, पूरा एक जो साइकिल होता है वो 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री। अब सेम इट इज़ अगर यहाँ पे जाएँ तो 45 इस जगह पे बनता है। इसका मतलब है कि यहाँ तक उसने पहला सफ़र किया 45 डिग्री क्लॉक वाइज डायरेक्शन, क्लॉक ऊपर की तरफ होती है, एंड अदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, अब उसी डायरेक्शन में 180 डिग्री करेगा। इसका मतलब कि 45 यहाँ तक बना, 45 उसके बाद यहाँ तक 90 और 45, इसका मतलब इस प्लेस पे वो पहुँच गया, यहाँ से चला वो 180 डिग्री। 180 किस तरह बना है? ये 90, 45, क्योंकि 45 तक तो पहले पहुँच चुका था, 45, 90 और 45, तो ये बन गया 180 डिग्री, तो यहाँ तक वो पहुँच गया। अब वो कहते हैं कि देन 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, अब यहाँ से वो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमेगा, ये देखे चलता गया चलता गया, जब यहाँ तक पहुँचा तो 180 पहले था और 45 बीच में ऐड करें तो कितना बन गया? 235। इसका मतलब कि उसने जाना है 270 तक, तो यहाँ तक जब 45 और करेगा तो तब वो पहुँचेगा 270 तक अपोजिट साइड पे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अभी इस वक्त वो खड़ा है। तो अब वो कहता है कि इन विच डायरेक्शन इज़ ही फेसिंग नाउ, अब उसका मुँह किस तरफ है? तो इसका मतलब कि उसका मुंह अभी साउथ की तरफ है।
तो इसका बेस्ट आंसर क्या हुआ, साउथ, ये वाला इसका बेस्ट आंसर डी है। आप क्वेश्चन नंबर 27 को देखें। अ मैन वॉक टूवर्ड नॉर्थ, देन ही टर्न लेफ्ट, आफ्टर सम टाइम ही टर्न राइट एंड द प्रेजेंट डायरेक्शन विल बी, प्रेजेंट डायरेक्शन विल बी। अब इसकी प्रेजेंट डायरेक्शन पूछ रहा है कौन सा, अब इसके लिए भी हमें चार्ट ड्रा कर। अ मैन वॉक टूवर्ड नॉर्थ, अब यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से नॉर्थ की तरफ चल पड़ते हैं, देन ही टर्न लेफ्ट। अब नॉर्थ की तरफ चला तो वहाँ से उसने लेफ्ट ले लिया, लेफ्ट इस तरफ गया, आफ्टर सम टाइम ही टर्न राइट। अब यहाँ से उसने राइट चलना शुरू कर दिया, ये देखें राइट मुड़ गया। व्हाट विल बी प्रेजेंट डायरेक्शन, अब उसकी प्रेजेंट डायरेक्शन पूछ रहा है कि कहाँ पे थी, तो अभी भी वो नॉर्थ की तरफ ही मूव कर रहा है क्योंकि आगे तो गया ही नहीं है। देखिए पहले उसने यहाँ से चला नॉर्थ की साइड से, सीधा नॉर्थ की तरफ गया और वहाँ से उसने टर्न ले लिया, लेफ्ट वाली साइड पे लिया, फिर उसने राइट ले लिया वहाँ से। राइट लेने के बाद फिर अब वो पूछ रहा है कि उसकी डायरेक्शन कौन सी है, तो अभी भी नॉर्थ की तरफ ही है उसका मुंह। तो ये एक्चुअल इसका आंसर था। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें प्लीज़। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखें। कहता है कि एक कार है वो 1 लीटर में 15 किलोमीटर सफ़र करती है, जबकि 1 लीटर की कीमत है 90 रुपये। कितनी कीमत है? 90 रुपये। और 450 रुपये के पेट्रोल में कितना गाड़ी सफ़र करेगी, ये एक्चुअल उसका क्वेश्चन पूछने का मकसद है। अब बड़ा ये आसान सा है, 450 रुपये हैं तो 90 रुपये का, 450 को 90 पे जैसे तकसीम हम करते हैं, 450 डिवाइडेड बाई 90, इसका मतलब है कि 5 लीटर पेट्रोल डलेगा। 90 रुपये अगर कीमत हो 450 रुपये के पेट्रोल में, 5 लीटर पेट्रोल आएगा। अब 15 मीटर 1 लीटर में सफ़र कर रहे हैं, तो 15 को जब 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 15, तो ये बना 75। इसका मतलब कि 75 किलोमीटर वो 450 रुपये के पेट्रोल में सफ़र करेगा। कहते हैं इफ़ 28 डे ऑफ फेब इज संडे, देन सेकेंड डे विल बी, मतलब कि अगर 28 डे को फ्राइडे के 28 डेज को संडे है, तो देन सेकेंड डे विल बी, उससे जो अगला दिन होगा वो दूसरा दिन कौन सा बनेगा, क्योंकि अगर संडे था तो उससे जो नेक्स्ट होगा वो मंडे बनेगा, और उससे जो दूसरा दिन बनेगा वो बनेगा ट्यूसडे। तो ये इसका बेस्ट आंसर है, मतलब कि सेकेंड डे पूछ रहे, नेक्स्ट डे पूछता तो फिर आना था मंडे, तो सेकेंड डे पूछा ट्यूसडे आ गया। कहते हैं ट्रेन स्पीड इज़ ट्वाइस एज द कार, एक ट्रेन की स्पीड अगर डबल है कार से, तो कार कवर 60 किलोमीटर इन 1 आवर, देन हाउ मच डिस्टेंस ट्रेन विल बी कवर इन 30 मिनट। अब अगर उसकी डबल स्पीड थी तो वो 60 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करता है, तो ट्रेन भी सेम ही सफ़र करेगी क्योंकि उसकी डबल थी। जो कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर कर रही है, तो ट्रेन 30 मिनट में वो सेम सफ़र करेगी, 60 है। अच्छा ये गलती से डबल लिखा गया है, यहाँ पे पूछा कि यहाँ पे आना था 50। अच्छा क्वेश्चन नंबर 31 देखें। इफ़ यस्टरडे वाज मंडे, व्हाट डे इन आफ्टर टुमारो, ये कल मंडे था, आज ट्यूसडे है जो आज अभी बात हो रही है, तो इसे जो नेक्स्ट डे होगा वो होगा वेनसडे। और कहता है कि व्हाट डे आफ्टर टुमारो, मतलब कि कल के बाद कौन सा दिन होगा, तो वो बनता है थर्सडे। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखें। अली बॉट अ पेन फॉर ₹30 एंड सोल्ड इट ₹40, प्रॉफिट विल बी डैश, अब उसका प्रॉफिट पूछ रहा है कितना उसने कमाया, तो वो टोटल 10 रुपये उसने कमाया। क्वेश्चन नंबर 33 देखें। इफ़ टी वी इज़ टू वॉच, देन बुक इज़ टू, बुक पढ़ी जाती है, मैन इज टू अ वोमैन एज बॉय इज टू गर्ल, इफ ब्रश इज पेंटिंग एज पेंसिल इज। अब कहते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रेन इज़ रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अगर ईस्ट टू वेस्ट एक ट्रेन जा रही है तो विंड डे है, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, द विंड इज़ ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अब वो अपोजिट चल रही है, जिस तरफ ट्रेन जा रही है उसके अपोजिट, इन विच डायरेक्शन विल बी स्मोक गो, अब किस तरफ उसका धुआं जाएगा, अब ये नॉन ऑफ दीज आएगा, भला क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रेन में धुआं नहीं होता। कहते हैं देयर आर टू कैमल्स, वन फेसिंग द ईस्ट एंड अदर फेसिंग द वेस्ट, ऑफ ए इज प्लेस बिटवीन देम, कैन दे ईट ग्रास विदाउट मूविंग देयर लेग्स,
अब इस सवाल में कहता है कि दो ऊंट है, एक का मुंह वेस्ट की तरफ है, दूसरे का मुंह ईस्ट की तरफ है, दरमियान में घास पड़ी हुई है, तो कहते हैं कि वो बगैर टांगे फैलाए क्या उसको खा लेंगे? तो उसका आंसर है यस, वो खा लेंगे। अब यहाँ पे दो तरह की कन्फ्यूजन होती है कि आपने वो समझते हैं कि उनकी दोनों बैकें आपस में मिली हुई हैं, उनके मुंह ईस्ट वेस्ट की तरफ है, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन ये नहीं है। उन दोनों के जो बैकें मतलब उनके जो मुंह हैं वो एक दूसरे के साथ मिले होते हैं, दोनों का फेस तो ईस्ट और वेस्ट की तरफ ही है, तो दोनों के दरमियान से रस्सी से बांधो, जब दोनों मुंह नीचे करेंगे टांगे फैलाए बगैर वो घास आसानी से खा सकते हैं। अब लै पेयर कम आफ्टर, कितने साल बाद लै पेयर आता है? तो ये 4 साल बाद आता है, जैसे 28 फरवरी वालों की बर्थडे 4 साल बाद आती है। अब ये रैंकिंग का क्वेश्चन आ गया, इफ़ अ क्लास इज 60 मेल एंड 35 फीमेल्स। अब देखें कि वो कहते हैं कि एक क्लास के अंदर 60 मेल्स हैं, 35 फीमेल स्टूडेंट्स हैं, केमिस्ट्री के अंदर 80% स्टूडेंट्स फेल होते हैं और इंग्लिश के अंदर 30% होते हैं, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? अब वो पूछता है कि सिर्फ फीमेल्स फेल हुई हैं, सिर्फ मेल फेल हुए हैं, उसके बाद मेल आर फेल्ड या कोई मेल नहीं हुआ, तो दोनों फेल हुए हैं, क्योंकि उसने क्लैरिटी नहीं की कि कितने फीमेल्स कितनी हुई हैं और मेल कितने हुए, इसका मतलब कि दोनों फेल हुए हैं कुछ ना कुछ। तो ये इंटेलिजेंस पार्ट था, ये ऑलमोस्ट मैंने आपके साथ 39 MCQs शेयर किए हैं, रैंकिंग सीरीज कोडिंग डिकोडिंग, मैंने इस हर एंगल से आपकी पूरे जो MCQs आते हैं उसकी टेस्ट प्रिपरेशन करवा दी है, और ये वो MCQs हैं जो मोस्टली आपको पेपर, ये वो MCQs हैं जो मोस्टली आपको पेपर के अंदर मिलेंगे। अब इसे जो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं वो पार्ट है फिजिक्स के MCQs के बारे में, तो अब फिजिक्स को हम देखते हैं।